हम दलितों की इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं भी तो एक दलित हूँ। दलित जात से थोड़ी कोई होता है, दलित तो एक गरीबी से, जो महिलाएं सताई जाती हैं, जो गरीब सताए जाते हैं वही एक दलित। हमारा देश पुरुष प्रधान था, लड़के का कोई बहिष्कार नहीं करता, लड़कियों को करता है। लड़की पैदा हो गई तो लोगों को दुख, बहू आ गई काम नहीं किया तो दुख, और नारी नारी की ही दुश्मन है। सबसे ज्यादा नारियों के लिए ही यह संगठन बनाया गया है कि पहले नारी जागृत होए, इसलिए जरूरत थी कि गुलाबी गैंग बनना चाहिए, महिलाओं का एकता होना चाहिए और हर गांव में संगठन होना चाहिए, एक गांव नहीं बचना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी डंडी रख के आराम से बैठिए गुलाई से सब, ठीक, और दूर दूर थोड़ी। तू तो कुंवारी दाई हंस खा के बैठ गई। तो सब पुरानी हमारी संगठन वाली हो कि कुछ नई भी जुड़ी? सब पुरानी हो ना, हमें सब जनती हो ना। पहली बात तो मैं एक आपसे बात बता दूं, बड़ी घटना की बात है। जो सब जने मुझसे कहा कि दीदी बहुत दिन माई हो, पुरुष अगर एक पत्नी कर ले तो कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, कि उठा पाता है अब बताइए। लेकिन जब लड़की किसी से प्यार कर लेती है तो जानते हो कितने लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, या तो अपनी आत्महत्या कर लेगी या तो लोग हत्या कर देंगे। तो एक तो महिलाओं के साथ अन्याय होता है, तो इसी तरह वो एक लड़की लड़का को चाहती थी, लेकिन वही का बाप विधायक गुंडों को ले गए, तारा तोड़ के लाए, अपने घर में रखा, बीएसपी का विधायक वर्तमान अभी का। इसके बाद वो गैंग रेप किया लड़की के साथ, यानी बलात्कार। लेकिन अभी तो मैं अकेली लड़ रही हूँ, अगर जरूरत पड़े तो सबकी जरूरत है। बराबर, आप फोन कर देना, हम सबको लेके आएंगे। ऐसी कोई बात है नहीं, कोई ज्यादा बहन जी कह देना, जिसको लठ से मारना तो उसके हम लठ से मारूंगी, लठ से मारूंगी घोसड़ी के जहाँ हो। पकड़ा भर दे जिया है तो मैं मोहन के हमारा झोर लाठी चले लगी है डंडा, मैं मार के फोड़ा रखो। लाठी सीखे हो? हाँ लाठी। अच्छा, एक जनी खड़ी हो जाओ, चलो बसंती खड़ी हो जाओ, तुम भी खड़ी हो, तू जाने खड़ी हो, मैं देखो तो तुम्हारा लाठी कौन था ना, चलो निकिता, नहीं निकिता चलाओ, निकिता ना अच्छे से, अरे घूम घूम के चलाओ ना, घूम आस, ये साड़ी मानी गिर गया तो, हाँ, अरे असली, अरे रुको